शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आशी बेटा, I'm so proud of you. तुमने हमारी फैमिली को बदनामी से बचाया, फैमिली पे जो दाग लगे थे उसे मिटाया। थैंक यू। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है। आशी बेटा, तूने आज वो काम किया है जो घर की बहू करती है। घर की लक्ष्मी लक्ष्मी को घर में वापस लेकर आई। तूने अपने परिवार के मान सम्मान की रक्षा की है बेटा, और हम सबको तुझ पर बहुत प्राउड है बेटा। ओके क्या हुआ? होना क्या है यार? I thought कि रियूनियन पार्टी में मुझे एक फ्रेंड मिल गई है, but now I'm thinking इस फ्रेंड को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार। Because मैं तुम्हें इतने सारे मैसेजेस कर रहा हूँ और तुम्हारा रिप्लाई ओके हा टाटा बाय। यार ऐसा थोड़ी होता है यार, इतना इग्नोर कौन करता है? वो तुम्हारी दोस्त एक मिशन में बिजी थी इसलिए। ओ तो हमें भी अपना मिशन बना लो और हो जाओ हमारे साथ भी बिजी। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं माय डियर बिजी फ्रेंड, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो अपने इस स्पेशल फ्रेंड को सॉरी नॉट स्पेशल बट मुझे बर्थडे विश कर सकती हो। ओ रोहन, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। देखो अब तुमने बर्थडे विश तो कर दिया है, लेकिन तुम्हें पार्टी में भी आना पड़ेगा। और हाँ, मना मत करना क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, आई एम अ बर्थडे बॉय। तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना यार। प्लीज आ जाओ, और ध्यान रखना यार, अगर तुम आओगी ना तो ये मेरे बर्थडे का सबसे ज्यादा स्पेशल गिफ्ट होगा। ओके ओके देखते हैं। या प्लीज बाय। आप तीनों तो हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, हमने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया, बस अपना फर्ज ही तो निभाए। हम तुम्हारा टैलेंट देख चुके हैं और तुम्हारा टैलेंट देख के हमने कुछ डिसाइड किया। क्या? सेठ के मॉम का ब्रांड कला, अब तुम ज्वाइन करोगी। हम चाहते हैं कि तुम उस ब्रांड को हैंडल करो, करोगी ना? पर वो सब तो क्यारा हैंडल करने वाली थी ना, हमें इतना टैलेंट कहाँ है कि हम ये सब कर सके। तुम बहुत टैलेंटेड हो आशी, एंड टुडे यू प्रूव दैट। कला ब्रांड को तुमसे बेटर कोई और हैंडल नहीं कर सकता, शायद मैं भी नहीं। लेकिन हमारा बिजनेस आशी बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। और तुम काम करोगी तो हम तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी भी देंगे, तो तुम्हारे बिजनेस के साथ कोई समझौता भी नहीं होगा। आप बोलो बेटा। काकी, आप यहाँ कुछ चाहिए था? नहीं, तुझे याद दिलाने आए। भले ही तू बड़े बड़े काम करने लगी है, बिजनेस के साथ साथ जॉब का भी ऑफर मिला है तुझे, लेकिन फिर भी ये मत भूलना कि इस घर के प्रति तुम्हारे कुछ फर्ज है, हमारे बेटे के प्रति तुम्हारे कुछ फर्ज है। बस कुछ महीनों बाद तुम्हें कुणाल के पास ही लौटना है, भूल मत जाना। सुन। वो ना, तू आज शाम को फ्री है? क्या हुआ? वो रोहन है ना हमारे कॉलेज का, तो उसकी बर्थडे पार्टी है, तो उसने इनवाइट किया है। प्लीज चलना हमारे साथ, प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं निधि, हमें बहुत काम है, हमें अपने ड्रेसेस की डिजाइन पे काम करना है। प्लीज ना यार, पिंकी तू हमारे साथ हमेशा होती है। देख, हमारा आना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, तो एक काम करना, तू काकी माँ से पूछ और तू चली जा। लो कर लो, फिर तो छोड़ ही दो, जैसे कि तेरी काकी माँ हाँ बोलेगी। जाओ बेटा, छोड़। अरे हाय रोहन, आई एम सो सॉरी,
आज मैं नहीं आ सकती तुम्हारी बर्थडे पार्टी में. एक्चुअली वो मॉम ने. Come on यार, मैंने सोचा था तुम बड़ी हो गई हो, ग्रोन अप गर्ल यू नो. और यार तुम तो अभी बच्ची हो यार, मतलब हर डिसीजन मम्मी से पूछ के लेती हो. अब ठीक है, हम कुछ करते हैं. ओके बाय. वो जीत तो गई. मैं सामने खड़ी हूँ, मुझे नहीं देखा. लगता है माँ को चश्मा लग गया. चलो हमें क्या, क्या है ये सब? और ये धूल मिट्टी कितनी है, कौन सफाई करेगा? सुबह से क्या कह रहे हैं हम तुम्हें, जल्दी करो. तुम उनके रहने दो तब ना. इससे पहले कि मैं नीचे गिरा दो, हम खुद खड़े हो जाते. मैंने कब गिराया? मैं तो. हाँ तुम तो. हमें नीचे गिराते गिराते तुम खुद इतने नीचे गिर गए. मैं गिराया, तुम्हारी सोच गिरी. देखो यहीं कहीं गिरी होगी. ढूंढो और अपने दिमाग में फिट करो और सोचो कौन गिरा रहा था और कौन गिर रहा था. जो लोग खुद गिर जाते ना वही दूसरों को नीचे गिराते. याद नहीं उस दिन तुमने हमें जमीन पे छोड़ दिया था, हम नीचे गिर गए, हमें चोट लग गई. चोट देने को तो तुम एक्सपर्ट हो, और जो लोग मरहम लगाते हैं वो लोग तुम्हें विलन लगते हैं. विलन कभी हीरो नहीं हो सकते, और हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती. धोखा तो मेरे साथ हुआ है. हमें तुमसे कोई लड़ाई भड़ाई नहीं करनी, बहुत काम है हमें. तुम्हें लड़ना है ना, अकेले बैठ के लड़ो. हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है. फाइन. हाय निधि. हाय रोहन, हैप्पी बर्थडे. Thank you. So sorry, तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेकर आई, because बहुत जल्दी जल्दी मैं आई तो आई. It's okay, तुम आ गई हो ना, तो ये मेरा गिफ्ट है. कम. क्या? राम जी, ये हमें क्या करती है? ये तो इससे बात करनी थी. सिट, सुनो. अब क्या है आशी? वो हमें ना तुमसे कुछ. रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया. दिल का मिजाज इश्किया. अब क्या है, बोलोगी? देखो सर, हम तुमसे ढंग से बात कर रहे हैं, तो प्लीज तुम भी हमसे अच्छे से बात करो. मैं अच्छे से बात करूं? वो भी तुमसे? देखो सर, हम बस तुमसे ये पूछ रहे हैं कि मासी ने जो हमें ऑफर दिया था कला क्रिएशंस हैंडल करने का, तुम्हें चलेगा? आई मीन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हमारे साथ काम करने में? तुम्हारे साथ तो मुझे ये शादी भी नहीं निभानी थी, पर निभा रहा हूँ ना मासी और पापा की वजह से. तो अगर वो लोग चाहते हैं कि तुम ये ब्रांड संभालो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. ये फैसला मासी और पापा का है,
और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं मासी के खिलाफ नहीं रहूंगा। वाओ, नाइस हाउस। थैंक यू। लेकिन रोहन, तुमने तो कहा था कि यहाँ पे लोग होंगे, पार्टी, मैं जल्दी आ गई। अरे नहीं नहीं, पार्टी है यार, तुम बैठो भी, बाकी लोग आते होंगे, बाकी तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ एक स्पेशल ड्रिंक लेके आता हूँ। आह, सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। आई नो, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। ओह, बैठो ना, अपना ही घर समझो। अरे यार, कितना भारी है। निधि, निधि जरा नीचे आना, हमारी हेल्प कर। निधि, सुनती भी नहीं है लड़की। निधि, निधि, फोन भी नहीं उठा रही, कहाँ गई? रूम में देख के आते। ये तो चलेगा ना? निधि, छुपी नहीं है। निधि, वॉशरूम में है क्या? क्या कर रही है? फोन भी नहीं उठा रही यार। छोड़ गई निधि। चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है घर पे अभी? हाँ नहीं यार, मैं अकेला रहता हूँ। बी कंफर्टेबल यार, मुझे लग रहा है तुम कंफर्टेबल हो ही नहीं। नहीं आओ, ऐसी बात नहीं है। तुम सिर्फ क्या क्या हुआ? तुम इतने टेंशन में क्यों? सिर्फ हमने पूरे घर में उसको ढूंढ लिया, वो कहीं पे भी नहीं मिल रही। हमने उसको फोन भी ट्राई किया, फोन नहीं उठा रही है। वो किसी को बताए बिना कभी कहीं नहीं जाती। से तुम याद करो, मतलब कुछ तो बोला होगा उसने। रोहन है ना हमारे कॉलेज का, तो उसकी बर्थडे पार्टी है, तो उसने इनवाइट किया है। उसने कहा था कि उसे किसी बर्थडे पार्टी में जाना था, पर हमने उसे कहा था कि वो काकी से पूछ के जाए, से बिना मुझे कैसे जा सकती है। रात बहुत हो गई है, बहुत डर लग रहा है, और ये नीलर भी बोल के चली गई है। कहीं उसे कुछ, बहुत टेंशन हो रही है सर। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। तुम ये बताओ, उसने क्या बोला था, किसकी बर्थडे पार्टी में जा रही, कुछ याद है तुम्हें? रोहन। रोहन, मैं देखता हूँ। निधि, निधि, क्या हुआ? निधि, इधर बैठ, काम डाउन। निधि, निधि,
शांत हो जाए निधि। निधि पुलिस पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ले चलो सुन भाई, चलो पुलिस स्टेशन जाना है प्लीज। निधि काम डाउन, पुलिस स्टेशन ले चलो प्लीज। चुप चुप, मुझे बात बता। क्या बात है? तू रोहन की पार्टी में गई थी ना, क्या हुआ, बात क्या है भाई? हाँ रोहन क्या वहाँ पे गए थे? मेरा सर क्यों भारी हो रहा है? इतनी डिजीनेस। One more? Yeah, मैं और लेके आता हूँ। हमारा सर क्यों भारी हो रहा है? रोहन मुझे चलना चाहिए, वो एक्चुअली मेरा ना कुछ ज्यादा सर भारी हो रहा है तो। Come on, baby. रोहन क्या कर रहे हो तुम? यही करने तो आए थे ना। प्लीज छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, शांत चुप, कुछ नहीं होगा, बस निधि में समान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चल मेरे साथ कार में बैठ, अभी उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे ये सब हुआ है। नहीं चलेंगे सिद्ध भाई। निधि उसको मर्डर किया है सिद्ध भाई, हमने नहीं। पुलिस स्टेशन ले चलो। मुझ पे यकीन है ना? मुझ पे यकीन है सिद्ध भाई, चल मेरे साथ। भाई हमें डर लग रहा है बहुत। निधि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आया हूं ना तेरे साथ। निधि यहाँ कोई नहीं है। कुछ नहीं थी कहीं, ऐसा तो नहीं कि तूने कहा था कि रोहन ने तेरे जूस में कोई नशे की दवा मिलाई और तुझे नशे की हालत में कुछ गलत लगा हो कि रोहन ने तेरे साथ वो सब, और असल में ऐसा कुछ ना हुआ हो। लेकिन कुछ भी हो, रोहन को तो यहाँ होना चाहिए था, सवाल ये है कि वो गया कहाँ?
हमें कुछ नहीं पता ये सब कैसे हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी, क्या बोलूं क्या नहीं। खैर जो भी हो चलो के चलते हैं यहाँ से। लेकिन भाई निधि तू टेंशन मत ले, भाई होना तेरा कुछ भी हो सही गलत तेरे साथ। तू रो रही है, तूने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तू सब कुछ अपने बड़े भाई पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा। निधि भाई उसके सर पे हमने कुछ नहीं हुआ, निधि कुछ नहीं हुआ। वाड़ी नहीं हुआ। तू शांत अपना अपना मुंह ठीक कर, चल अभी घर चलते हैं। बहुत डर लग रहा है भाई। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। रक्षा करना, वो सेफ हो, उसे कुछ, राम जी, अब तो पापा भी घर पे नहीं है, निधि पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है, प्लीज उसकी रक्षा कीजिए भगवान जी, प्लीज वो सेफ हो, उसे सही सलामत घर वापस भेज दीजिए राम जी, पता नहीं अब तक सिद्ध को निधि मिली भी कि नहीं। आशी तुझे लेके बहुत टेंस्ड है, रोहन के घर जो भी हादसा हुआ आशी के सामने कुछ मत कहना, ठीक है? सिंह भाई, उसके सवाल का जवाब हम हमारा जो तो है तुम पब्लिक से हो रहे हैं, तू कुछ कहना ही मत, मैं सब संभाल लूंगा। लो आ गई तुम्हारी निधि। निधि राम जी करके तू आ गई, कहाँ गई थी तू? ऐसे बिना बताए कौन जाता है? कहाँ गई थी और क्यों गई थी? और तुझे कितनी बार बोला है जहाँ भी जाए नीले साथ में लेके जाएगा, सुनती क्यों नहीं तू हमारी? निधि, तू चुप क्यों है? तू ठीक है? हम ठीक है, बस थके हैं तो नींद आ रही है हमें। बात है निधि, क्या बात क्या होगी? तुम्हें आदत हो गई है क्या सबके पीछे पड़ने की? उसने कहा ना वो थक गई है। निधि तू जा सो जा। हम तुमसे कुछ पूछ रहे निधि। मैंने भी कहा ना वो थक गई है, जा सो जा। निधि क्या थे सब? हाँ तुम उसके सगे भाई नहीं हो तो ज्यादा दिखावा मत करो। मैं कभी दिखावा नहीं करता। तो क्या थे सब? हमें उसे बात क्यों नहीं करने दी? कहा ना थक गई थी वो। तुम उसे हमसे ज्यादा नहीं जानते हो? हाँ हम उसे बचपन से जानते हैं, तुम्हारा तो बस कुछ दिनों का रिश्ता है, तो ऐसा बिहेव मत करो जैसे कि तुम्हारा खून का रिश्ता हो। सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते आशी, दिल के रिश्ते भी होते हैं जो खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बढ़ के होते हैं, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। खैर मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, और निधि और विद्या के लिए मैं पहले भी उनका भाई था, आज भी उनका भाई हूँ और हमेशा रहूंगा। सेठ हमारी बात सुनो, बड़े भाई बेनिफिट क्यों ना उसके, तो फिर उससे सवाल क्यों नहीं करने दिया हमें? बल्कि जो सवाल हम उससे कर रहे थे वो तुम्हें उससे करना चाहिए था। ऐसे आधी रात को लड़कियों को बिना बताए बाहर जाने चाहिए? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। सिट बोलो, सिट हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम सुनाई दे रहे? तुम्हें कहाँ मिली तुम्हें निधि? सिट जवाब दो। निधि तुम्हें मुझे चेंज करना है। नहीं बताओगे ना तुम? हमें वॉशरूम जाना है। पहले मैं चेंज करूंगा। लेडीज फर्स्ट।
हो गया तुम्हारा? अभी बताओ निधि कहाँ मिली? घर के बाहर। घर के बाहर? इतना टाइम लग गया घर आने में? वो निधि को आइसक्रीम खानी थी तो उसको आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया था। अच्छा, आधी रात को आइसक्रीम खानी थी? क्यों, तुम्हारा भी तो मन करता है सर्दियों में रातों में आइसक्रीम खाने का। करता था, अभी मन क्या करता है क्या नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में। तो जैसे तुम्हारा मन करता था वैसे निधि का मन करता है। निधि और हमें बहुत फर्क है, और ये निधि भी बहुत अच्छे से जानती है कि उसे अस्थमा है, आइसक्रीम उसके लिए अच्छी नहीं है, और वो भी रात को। कितनी तकलीफ, वो खा रही थी और तुमने उसे खाने भी दिया। बड़े भाई भाई बनते हो, रिश्ते निभाने में और बनाने में बहुत फर्क होता है, लेकिन तुम क्या समझोगे? ओ हेलो, लड़का हम यहाँ पे बड़बड़ाए जा रहे हैं और ये कुंभकर्ण कहीं का। क्या हुआ सिर, तुम ठीक हो? सिर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक हो? जब ऐसी हालत थी तो आधी रात को बाहर आने की क्या जरूरत है? ताजा हवा खाने आया था, पर अब तुम मेरा दिमाग खा रही हो। हमें कोई शौक भी नहीं तुम्हारा दिमाग खाने की, पानी लेके आए थे तुम्हारे लिए। तो मेरी केयर है? नहीं। मेरी टेंशन है? नहीं। मेरी परवाह है? नहीं। गुड, मैं चाहता भी नहीं तुम ये सब करो मेरे लिए। तो मैं कहां जाता हूं, क्या करता हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जैसे मतलब ही नहीं है ना, हम मतलब निकालने नहीं आते, हमें हर जान की परवाह करते हैं। दूसरों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, किसी की जान लेनी नहीं आती हमें। लेकिन अब तुम मेरी जान ले रही हो, जब तक तुम यहाँ खड़ी रहोगी मेरा दम घुटता रहेगा। हमारा दम तो तुम बहुत पहले घुट चुके हो सिर। उफ़, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ रहोगे तो मैं ताजा हवा भी नहीं ले सकता। मेरी जान के भी दुश्मन बन गई हो तुम। जिंदगी के दुश्मन तो तुम बन गए हमारे। जब तक होता बस छूने का बहाना चाहिए रहता है, पहले खुद गिराते हो फिर उसके बाद खुद ही संभालते हो। हाथ कैसे लगाए हमें? हाँ, नहीं लगाना चाहिए था। हम कोई लवी लवी कपल नहीं है जो तुम जब होता हमारी कमर में हाथ डालते हो। छूने का बहाना चाहिए बस। यू नो व्हाट आशी, मुझे तुम्हें छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिसे उस तरह से छू सकूं वो आशी भी मर गई। राम जी, ये लोगों के डिजाइन इतने भी अच्छे नहीं बने, क्या करें? बचपन में निधि हमारी सारी ड्राइंग्स बनाती थी,
पहले डिजाइंस जाके निधि को दिखाते, उसकी स्केचिंग भी अच्छी है, वो हमें सही से गाइड कर देगी। निधि टूट गई, अच्छी बात है। इधर आ, देख हमने ना कुछ डिजाइंस बनाई हुई, जल्दी से इनको देख और बताए कैसी है। कुछ भी चेंजेस चाहिए हो ना तो हमें अभी बता, हम अभी चेंज करते। यार आशि, हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू देख लेना प्लीज। कतई जहर, अपनी मासी सासू के लिए सूप बनाया जा रहा है, वाह भाई वाह। नहीं काकी माँ, वो तो हम बस काकी से छूट, सब देख रहे हैं, देख रहे हैं आजकल ससुराल वालों की बड़ी सेवा की जा रही है। हुँ? मन लगा लिया है क्या उनसे? लेकिन आशि, ये सब ना सिर्फ 6 महीने के लिए, तो ज्यादा दिल मत लगा लेना इन लोगों से। हुँ? नहीं काकी माँ, वो तो ये हम एक्चुअली निधि के लिए बना रहे थे। वो ना आशि, अगर काकी को पता चला कि निधि की तबीयत खराब है, फिर इन्हें ये भी पता चल जाएगा कि निधि बिना बताए रात को घर से बाहर गई थी रोहन की पार्टी में, फिर तो इनके गुस्से से निधि को कोई नहीं बचा पाएगा। कहाँ खो गई मैडम, क्या हुआ है निधि को, बताओगी? कुछ नहीं, वो उसका मन कर रहा था सूप पीने का तो। अच्छा अच्छा ठीक है, निधि के लिए सूप बना लो जल्दी से, फिर नाश्ता लगाओ हमारा, हमको अस्पताल जाना है, वो अमित जी से मिलने। अब तुम्हारा क्या है, नए ससुराल के आते ही तुम तो अपने बाबा को भूल गई, लेकिन हम नहीं भूल सकते ना, हमारे तो पति है। काकी ना, हम अपने आप को भूल सकते, सासों को भूल सकते, पर अपने बाबा को नहीं, आखिरी सांस तक नहीं। निधि ये ले सूप पी ले। सोने देते हैं, रात को भी देर से सोई, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर सोएगी बेटर फील करेगी। कल रात को तुमने कोई बुरा सपना देखा था क्या? तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, कल रात से मेरे पीछे पड़ी हो, मेरे सपने अच्छे हैं बुरे हैं इसमें तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? जो भी है मेरा है, मेरे सपने मेरी प्रॉब्लम, तुम्हें उससे क्या? हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम से, हमें मतलब है अपनी नींद से, तुम्हारी वजह से हमारी नींद भी खराब हुई। अब क्या चाहिए, क्यों मेरे सर पे खड़ी हो? ये तुम्हारे ब्रांड के कुछ लोगो डिजाइन हैं, इन्हें चेक कर लो एक बार, हमें मासी जी को फॉरवर्ड करो। निधि का मैसेज, सिट भाई अर्जेंट है, आपसे मिलना है, प्लीज जल्दी से हमारे रूम में आइए ना। मुझे कियारा से मिलना है, तुम एक काम करो, ये मासी को दिखा देना। And soon to be married, soon to be couple. ये क्या रहा है, तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? तुमसे मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्ही ने तो कहा था ना वो मिस कश्यप के सामने कि तुम दोनों GFBF हो, डेट कर रहे हो एक दूसरे को, शादी करने वाले हो ना, तो बस ऐसे कैजुअली पूछ लिया। अगर मेरा और कियारा का कोई रिश्ता है भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, और कल को अगर मैं कियारा से शादी भी कर लूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है आशी, बोलो।
फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है? बोलो आशी, फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम दोनों पति पत्नी बनने का ड्रामा कर रहे हैं। शायद तुम इस बात को भूल गए होगे, अगर हम नहीं भूले, हमें ये शादी अगले 6 महीने तक निभानी, अपने बाबा के लिए, अपने परिवार के लिए। एक बार ये शादी खत्म हो जाए ना, फिर तुम्हें जो करना है तो करो। मैं भी शादी खत्म होने का ही वेट कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर मैं शादी से पहले भी किसी से भी मिलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो तुम्हें उससे क्या? मैं कुछ भी करूँ, किसी से भी मिलूँ, मेरी मर्जी। और दोबारा ना मुझसे ये सवाल मत पूछना, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा। जो मन में आएगा वो करूंगा। निधि, क्या हुआ? क्या इतनी स्ट्रेस क्यों है? एक मिनट रुको, तेरा पंप का है? जल्दी रिलैक्स हो, बैठ इधर। क्या हुआ? हाँ, इतनी डरी हुई क्यों? तू शांत हो जानी थी, मैं देख रहा हूँ ना। बहुत शातिर हो, रोहन का खून किया और भाग गए, लेकिन तुम्हारा ये राज मेरे पास सेफ है, लेकिन सिर्फ 48 घंटे तक। उसके बाद मैं सबको बता दूंगा। अगर चाहती हो ये राज राज ही रहे, तो मुझसे आके मिलो, जगह और टाइम मैं बता दूंगा। सिर भाई, ये सब क्या है? उसके पास सबूत है, 48 घंटे का समय दिया है, मिलने बुलाया है। सिर भाई, मैं बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तेरा भाई है ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। तू शांत, किसी के सामने कुछ नहीं बोलना। मासी जी, आप बिजी हैं क्या? नहीं, आओ ना आशी, बैठो। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। आओ। ये सिक्के लियो ब्रांड की, कला क्रिएशंस के लोगों के कुछ डिजाइन हमने रेडी किए, आप एक बार चेक कर लेंगे प्लीज? वाओ, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। थैंक यू मासी जी। मासी जी, हमें आपसे कुछ पूछना भी था। आजकल रात को हम देख रहे हैं सिर बहुत डिस्टर्ब रहता है, मतलब घबरा जाता है, जैसे कोई बुरे सपने देख रहा हो। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? कुछ सपने वगैरह आते हैं उसको? देखो आशी, सिर को तो ये सपने बचपन से ही आ रहे हैं, बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इट्स ओके। आपको पता है क्या सपने देखते हैं वो? कुछ डिस्कस किया उसने कभी? मैंने इन सपनों के बारे में कभी उसे पूछा नहीं, एंड आई सजेस्ट तुम भी मत पूछना। देखो, जीजा जी ने सिर को गोद लिया है, उसके पहले भी उसकी लाइफ थी, उस लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, वो कौन सा ट्रॉमा कैरी कर रहा है, वी रियली डोंट नो। और उसे इस सपने के बारे में पूछने से उसे और भी तकलीफ होगी, सो बेस्ट इज जस्ट लेट इट बी। और आशी, एक बात है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक बार सिर को दिखाना, वो फाइनलाइज कर लेगा, है ना? जी। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ हेलो, मैंने तुम्हें एक इनवॉइस की डिटेल्स भेजी थी, तुमने चेक किया? जल्दी चेक करो यार। और एक क्रेडिट कार्ड का बिल भेज रहा हूँ तुम्हें, उसके ओनर्स की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। हाँ ओके, डन डन।
तू भी ना। तू क्या लगी तो नहीं? No, I'm fine. कैसे कैसे चल रहा है तू? अरे तुम सामने से आई। अरे मैं फोन पे लगी थी, बिजी थी। सॉरी आशी, मैं फोन पर थी एंड वी जस्ट बैंगड इन टू ईच अदर। आई एम रियली सॉरी। सॉरी आशी, मैं फोन पर थी एंड वी जस्ट बैंगड इन टू ईच अदर। आई एम रियली सॉरी। कोई ना, तुम ठीक हो ना? या आई एम टोटली फाइन। मुझे मासी जी ने बुलाया है, सो आई जस्ट नीड टू लीव। ओके ये कला क्रिएशन ब्रांड के हमने कुछ डिजाइन सीखे हैं, अंदर भी है और चेक कर लेना और बता देना, मासी जी को फॉरवर्ड करना। काकी मैं पानी, आप आ गए हॉस्पिटल से, कैसे हैं बाबा, क्या कहा डॉक्टर ने? अमित जी की हालत में कोई सुधार नहीं है, उस सब की वजह से हमारे कुणाल की जिंदगी तहस नहस हो गई है, बेचारा पाई पाई का मोहताज बन गया है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आशी। काकी हम, काकी हम क्या कर, देखिए हम अपनी सारी कोशिश कर रहे हैं कुणाल को उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा पैसा वापस दिलाने के लिए। अरे पर वो तो 6 महीने बाद ना, अभी का क्या, हम अभी मिलकर आ रहे हैं कुणाल से। उसकी हालत देखकर हमारा तो दिल ही घबरा गया। हम यहाँ ऐसे आलीशान घर में रह रहे, महलों जैसा घर है हमारा, और हमारा बेटा थर थर की ठोकरे खा रहा है। अरे उसका खुद का घर तो उसने वो तलाक के वक्त ही दे दिया था ना उर्मिला को और उसके बच्चे को, इतना सब कुछ हो गया लेकिन बेचारा फिर भी जी जान से मेहनत कर रहा है, कुछ भी करके बस सिद का कर्जा लौटाना है। आशी, कुणाल को एक टेंडर भरना है, उसके लिए उसे 5 लाख रुपयों की जरूरत है, इंतजाम कर दे। हम 5 लाख कैसे, हम कैसे करेंगे? क्या कैसे करेंगे, तेरे बाबा होते तो तेरे आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हमें। क्योंकि आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। गॉड, क्या करें हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ फंस गए, रोहन की बॉडी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, ये ब्लैकमेलर हमें पता नहीं क्यों ये फोटोज वीडियोस भेजे जा रहे हैं, क्या होगा हमारे साथ, एक मर्डर किया, मैं खूनी है। बाबा के बारे में नहीं सोचा, उनका मान सम्मान रुतबा सब मिटा दिया, तूने खून किया है, खूनी है तू, तू खूनी है निधि, मेरी वजह से रो रही है, तूने खून किया है, खूनी है तू। मुझे भूषण कौटिल्य की सारी डिटेल्स चाहिए जल्दी। व्हाट यू से, भूषण कौटिल्य, वो तो मेरे पापा के फ्रेंड है, आई नो हिम वेरी वेल। हां क्या सच में? हां क्या रहा, मुझे भूषण कौटिल्य के बारे में सब कुछ जानना है, प्लीज मेरी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स, बट क्या जानना है? उनके बेटे के बारे में। बेटा? यू मीन टू से रोहन? या रोहन के बारे में क्या जानना है? यार प्लीज ये सब मत पूछो, बस प्रॉमिस करो कि मेरी हेल्प करोगे और कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। ऑफ कोर्स, आई विल हेल्प यू। थैंक यू जी बाबा, हम काकी से बात करके फिर आपको बताते हैं। थैंक यू बाबा, जय श्री राम।
हो गया पैसों का इंतजाम? जी काकी, हमारी अभी विनोद बाबा से बात हो रही थी, वो अपनी जमीन गिरवी रख देंगे और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस 4-5 दिन की बात है, फिर आप कुणाल को पैसे। 4-5 दिन? आशी, आज शाम को पैसे चाहिए हमें। कुणाल को आज टेंडर भरना है, अगर पैसे जमा नहीं किए तो वो टेंडर किसी और को चला जाएगा। आज शाम को? इतने जल्दी? हम नहीं जानते, वो तुम जानो कैसे इंतजाम करना है, बस इंतजाम करो। तुम सिद्ध से पैसे मांगे। लेकिन काकी, हम कैसे? मतलब क्यों भाई? अमित जी ने कुणाल के हिस्से के पैसे तुम्हारे नाम किए हैं ना, तो फिर तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी और पैसे वाला ससुराल, सब कुछ तुम्हें मिल गया। हमारे बेचारे कुणाल को कुछ भी नहीं मिला। तो अब अपने पुराने पति के लिए अपने नए पति से 5 लाख रुपए मांगोगी तुम, वो भी आज शाम तक। सिट से 5 लाख रुपए सिट से कैसे मांग सकते, हमारा दिल नहीं मानता। दीदी, सुना आशी, हमें वो रागिनी के घर जाना है, उसके पास से कुछ नोट्स लेने थे, हम वो वेट कर रही है, हम आते हैं, लेट हो रहा है। निधि सुन तो, हमें निधि, निधि ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है, हमसे आंखें क्यों चुरा रही है, क्या हो गया इसको? सेठ, 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 तुम कहाँ हो? देखो भूलो मत, ये कमरा हमारा भी है, थोड़ी तो शर्म रखो यार। पैंट तो पहनी है ना, और मुंह हाथ धोने के लिए पूरे कपड़े पहन के कौन जाता है? तो मैं कितनी बार बोलूं, ये कमरा मेरा है, मैं जैसे चाहे घूमूं, टॉवल पहनूं ना पहनूं मेरी मर्जी, शर्ट पहनूं ना पहनूं, जूते पैरों में पहनूं या सर पे रखूं मेरी मर्जी, शर्टलेस होकर डांस करूं रोमांस करूं मेरी मर्जी, तुम्हें कोई मतलब? हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, बस ये ध्यान रखो कि हमारा भी कमरा है, तो तुम प्रोटोकॉल्स मेंटेन करो बस। तुमने गीला टॉवल बेड पे फेंक दिया, बेडशीट पूरी गीली हो जाएगी, तो तुम्हारा पूरा कमरा फैला रहता है। मुझे अपना कमरा गंदा ही पसंद है। पर हमें साफ पसंद है। इसलिए तो हमारी शादी सिर्फ 6 ही महीना चलेगी, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का कुछ पसंद नहीं। एनीवेज, ये रोज रोज के सेम बैड डायलॉग्स को मूवी नहीं बनाते। लाओ मेरे कपड़े पास करना। हम क्यों करें, खुद ले लो। ठीक है, फिर ये मत कहना कि सलमान खान फिर से तुम्हारे सामने शर्टलेस आ गए। नहीं नहीं, अब तुम बताओ, हम देते, वैसे भी तुम सलमान खान बन भी नहीं सकते हो। ये लो। रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, रुक रुक के कहते हैं, झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया। आई एम रियली सॉरी, तुम दोनों रोमांस करते वक्त दरवाजा लॉक करना भूल जाते हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, हम दोनों रोमांटिक हो गए थे, मैं इतना अच्छा मौसम, रोमांटिक वेदर, यू नो। मैं बाद में आती हूँ, यू लव बट्स, कैरी ऑन, बाय। दरवाजा बंद कर लेना कियारा। हाँ कहो, तुम्हें क्या बात करनी थी? पहले तुम कपड़े पहनो। पहन लिए। बोलो। वो
हम ये कह रहे थे कि ओनो कहीं कियारा रोहन के बारे में तो कुछ बताने नहीं आई थी, शायद आशी को देख के कुछ ना बताया हो इसलिए वापस चली गई। आशी बाद में, मुझे अभी कियारा से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अंदर थे ना आशी के साथ। वो सब छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आई थी? आई मीन तुम्हें रोहन के बारे में कुछ पता चला? हाँ, डैड से अभी बात हुई। सो भूषण अंकल ने बताया कि रोहन रात से घर वापस नहीं आया है, बट ही वाज सो चिल्ड। उन्होंने कहा कि अरे मेरा बेटा तो फ्रेंड्स के साथ फॉरन चेंज गोवा मनाली जाता ही रहता है। सो हाँ, बट ये बताओ कि चल क्या रहा है? तुम इतने टेंस्ड हो और रोहन की इंक्वायरी एंड ऑल दैट, व्हाट इज ऑल दिस यार? सिट भाई, उस ब्लैकमेलर का फिर से कॉल आया था। वो कह रहा है मुझसे मिलो वरना मैं रोहन का मर्डर वाला वीडियो वायरल कर लूंगा। व्हाट द हेल? आशी, तुम वो तुम अंदर कुछ कह रही थी, क्या बात है? हमें तुमसे कुछ नहीं कहने जा रहे हो। ओह नो, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आशी को। एनीवेज सिर निधि, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। आशी, तुम ऐसे मत देखो, तुम्हारी ही परछाई हूं। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? हमें क्यों बुरा लगेगा? सिट को क्यारा के साथ देख के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिट को जिसके साथ रहना है उसके साथ रहे। ये आंसू क्यों? तुम तो कहती हो कि तुम सिट से शादी को मानती नहीं हो, निभानी नहीं है, उसके साथ जिंदगी नहीं बितानी है, फिर आंखों में ये दर्द क्यों? ये दर्द हमारे बाबा के लिए है। नहीं मानते हम सिट के साथ शादी को, नहीं निभानी उसके साथ कोई शादी। उसने शादी हमारे साथ धोखे से की थी, हमारे साथ शादी करने के लिए उसने बाबा को चोट पहुंचाई। हम ये सब कभी नहीं भूलेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे सिट को। क्या तुम्हें यकीन है कि जो बाबा के साथ हुआ वो सिट ने किया? हाँ, चूंकि सिट हमसे इस हद तक प्यार करते हैं कि उसने सारी हदें पार कर दी, हमसे शादी करने के लिए हमारे बाबा को चोट पहुंचाई, कुणाल की जगह खुद मंडप में आ गया शहर की आड़ में। उसके प्यार का जुनून हमारे लिए सजा बन गया है, हमारे बाबा के लिए बंदुआ बन गया। नफरत करते हैं हम सिट से, नफरत करते हैं। अच्छा, इतनी नफरत, तो फिर सिट को क्यारा के साथ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती? हमने कहा ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिन ने खुद कहा था कि पापा जी और मासी जी के सामने हमें पति पत्नी बनने का नाटक करना है, और अब खुद खुलेआम क्यारा के साथ? लोगों को तो ये लगेगा ना कि वो हमें धोखा दे रहा है। आशी, किस धोखे की बात कर रही हो तुम? कौन किसे धोखा दे रहा है? क्या हुआ बताओ? कहीं मासी जी ने सब सुन तो नहीं लिया? क्यों जवाब दे? किस धोखे की बात कर रही हो तुम? वो फोन, हमारा फोन बार बार हमें धोखा दे देता है, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया चले जाता है। आशी, ये मशीन है, ये सब चीजें होती रहती है। मैं एक काम करती हूँ, सिद से कह के तुम्हें एक नया ब्रांडेड फोन दिलाती हूँ, है ना? हाँ, और एक काम है तुमसे। आशी, ये 5 लाख रुपए है, इसे प्लीज संभाल के रखना, मुझे किसी वेंडर को देने। वो क्या है ना, नेक्स्ट वीक बैंक में 3-4 दिन हॉलीडे है, तो पैसे निकालना डालना नॉट पॉसिबल। इसे अच्छे से अपने पास संभालना, ओके? जी, हम अभी इसे सेफ में रख देते हैं। कुणाल को आज पैसे चाहिए, बाबा की जमीन से पैसे आने में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, तो
आशी से बात करके ये पैसे कुणाल को दे दे क्या? बाबा के पैसे आएंगे तो मासी जी को लौटा देंगे, इन्हें तो वेंडर को अगले हफ्ते पेमेंट करनी है ना। मासी जी, वो एक्चुअली ना हमें इन पैसों की जरूरत थी, काकी माँ को चाहिए थे, वो कुणाल को ना किसी टेंडर के लिए देने थे, अगर आप बुरा ना माने और आपकी इजाजत हो तो क्या ये हम पैसे उन्हें दे दें? बाबा के पैसे बस कुछ दिनों में आ जाएंगे, फिर हम आपको लौटा देंगे। Yes, sure you can. Thank you, मासी जी। हाँ हाँ हाँ, of course you can do it. हम कल मिलते हैं। Okay. तुम्हें भी नहीं पता रोहन कहाँ है? रोहन के सारे फ्रेंड से बात कर ली, किसी को कुछ नहीं पता, नोबडी नोज नथिंग अबाउट हिम। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा कियारा, आखिर कौन है ये जो निधि के साथ ऐसा गंदा खेल खेल रहा है? पहले निधि के हाथों रोहन का खून, फिर ब्लैकमेलर ने उसकी बॉडी भी गायब कर दी, और अब निधि को ब्लैकमेल कर रहा है कौन ये? गॉड, कहीं आशी ने सब सुन तो नहीं लिया? नहीं नहीं, अगर इसे निधि के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो ये बहुत टेंस्ड हो जाएगी। अच्छा, तो दोनों हमारी कमरे में चुप चुप के मिले मिले, हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन में आए वो करे, पर हमारे बेडरूम से दूर रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब, तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा ये हमारा भी कमरा है, आने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? Thank God, इसने कुछ नहीं सुना। परमिशन नहीं लेनी थी तो ऐसे चोरों की तरह चिपके चिपके क्या सुन रही थी? मुझ पे नजर रख रही थी। तुम दुनिया के आठवें अजूबे नहीं हो जो तुम पे नजर रखेंगे। तो यहाँ खड़े होके क्या दरवाजे की फिटिंग चेक कर रही थी तुम? सब कुछ नहीं है। तो कैसा है? सिर्फ तुम। हाँ हाँ आशी, मुझे जानना है कैसा है, बोलो कैसा है? What happened guys? आशी बताएगी, वो क्या है ना कियारा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, और अगर मैं कहीं भी इधर उधर चला जाऊँ ना तो इसकी नज़रें मुझे ही ढूंढती रहती है। क्यों आशी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है, शर्मा खानदान की बहू शर्मा रही है। हाँ आशी, तुम मुझे ढूंढ रही थी, क्या हो, क्या बात थी? अरे हाँ, हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे थे क्यारा, वो मासी जी पूछ रही है कि तुम खाना खाओगी या फिर अभी ऐसे जाओगी। क्यारा कहीं नहीं जाएगी, क्यारा आज रात यहीं रहेगी। देखो, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ये सब निधि से रिलेटेड है। थोड़ा फटाफट पता करो। कौन सी बात, क्या है निधि से रिलेटेड? कुछ भी तो नहीं। तुमने अभी कहा, सुना हमने। लगता है जुबान की तरह तुम्हारे कान भी बजने लगे हैं। क्या कहा तुमने? बहुत थक गया हूँ, सोने दो मुझे। गुड नाइट। आधी रात को छिप छिपा के कहां बाहर गए? निधि का भी नाम ले रहा था, कुछ तो छिपा रहे हमसे, हमें पता लगाना होगा। कहां गया सिद्ध भाई? हमें बहुत डर लग रहा है। निधि, बड़े भाई के होते हुए इतना डर?
अचानक आ गया। सिद्ध भाई ये देखो वो ब्लैकमेलर अभी भी हमें फोटोज और वीडियोस भेज रहे हैं और हमसे कल मिलने के लिए कह रहे हैं। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है, हम क्या करें? तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। सिद्ध भाई मेरा कुछ सब पता है। आने दे, डोंट वरी, यारे किसी के सामने कुछ नहीं कहेगी। हाँ निधि, कल तुम उस ब्लैकमेलर से नहीं मिलोगी। यू डोंट वरी, विल मैनेज एवरीथिंग एंड जस्ट रिलैक्स। कहाँ सिट तुम? इससे पहले तुझे कोई यहाँ देख ले, सो जा। बाय। निधि मैं संभाल लूँगा, तुझे सो जा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? He said, what are you saying? तुम्हारे रहते हुए मुझे डरने की क्या जरूरत है? You're there ना?